नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सभी दोस्तों। इसके पहले के वीडियो में हमने जाना फॉस्फोरिक एसिड के बारे में कि फॉस्फोरिक एसिड क्या होता है और इसका हमारे क्लिनिक प्रोडक्ट में कहां कहां पे किस तरह से उपयोग होता है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे सल्फोमिक एसिड के बारे में, सल्फोमिक एसिड क्या होता है और इसका क्लिनिक प्रोडक्ट में और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में कौन कौन से प्रोडक्ट में और कितनी मात्रा में और किस प्रकार से इसका उपयोग होता है, इसके बारे में थोड़ा जान लेंगे। कई बार कुछ ऐसे फॉर्मुलेशन हमारे पास आते हैं जिसमें कुछ ऐसे केमिकल के नाम लिखे होते हैं जिसमें होता है सल्फोमिक एसिड। अब सल्फोमिक एसिड के बारे में आपको पता होना चाहिए जिससे कि अगर आप चाहो तो इसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हो। तो सबसे पहले जानते हैं सल्फोमिक एसिड होता क्या है। सल्फोमिक एसिड एक एमिडो सल्फोमिक एसिड कहा जाता है। ये एक रंगहीन क्रिस्टल ठोस पदार्थ होता है, यानी कि ये पाउडर फॉर्म में होता है, क्रिस्टल फॉर्म में होता है, लिक्विड फॉर्म में नहीं होता है। इसका रासायनिक सूत्र है H3NSO3। ये एक कमज़ोर अलमीय प्रवृत्ति का यौगिक है। कमज़ोर अलमीय यानी कि ये बहुत ही लाइट एसिड होता है, पावरफुल नहीं होता है, लेकिन इसका उपयोग अच्छी तरीके से होता है जिससे औद्योगिक रूप से सफाई, स्केल हटाने और कॉस्मेटिक उत्पादों में नियंत्रित मात्रा में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग देख लिया हमने सफाई प्रोडक्ट में, यानी कि क्लिनिक प्रोडक्ट में होता है स्केल हटाने, यानी कि जो पानी के क्षार जम जाता है जिसको स्केल कहा जाता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम का वाइट हो जाता है उसको स्केल कहा जाता है इंग्लिश में, उसको हटाने के लिए भी सल्फोमिक एसिड का यूज़ किया जाता है। अब इसका क्लिनिक प्रोडक्ट में इसका उपयोग देख लेते हैं। बाथरूम क्लीनर, जो टॉयलेट क्लीनर बाथरूम क्लीनर के तौर पर होता है, उसमें टॉयलेट सिंक और टाइल्स पर जमा कैल्शियम और मैग्नीशियम के स्केल को हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसा मैंने बताया, पानी का जो क्षार जम जाता है उसको हटाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। डिश वॉशर डिस्केलर, मशीन के अंदर जमे स्केल को हटाने के लिए, जो डिश वॉशर का जो मशीन होता है, बेसिकली हमारे इंडिया में डिश वॉशर के लिए मशीन शायद अवेलेबल नहीं है या फिर बहुत कम जगह पर होगा, लेकिन बाहर की कंट्री में बर्तन साफ़ करने का भी मशीन होता है, तो उसके अंदर भी कुछ समय के बाद जो क्षार जम जाता है उसको हटाने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है सल्फोमिक एसिड का। इंडस्ट्रियल के अंदर में पाइप और बॉयलर से स्केल और जंग को हटाने के लिए, और हार्ड वाटर स्केल रिमूवर, जो भी पानी का क्षार अगर बहुत ज़्यादा जम गया तो उसको हटाने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब उपयोग की विधि और मात्रा देख लेते हैं। आमतौर पर 1 से 10% घोल के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। अब ये 1% से लेकर 10% का घोल कैसे होगा इसका मैं आगे प्रोसीजर बताऊँगा। इसे पानी में मिलाकर स्क्रब या स्प्रे के रूप में लगाया जाता है। 10 से 15 मिनट तक छोड़कर फिर ब्रश या कपड़े से साफ किया जाता है। उपयोग के बाद स्थान को साफ पानी से अच्छी तरह से धोया जाता है। अगर आप बेसिकली कोई स्केल रिमूवर प्रोडक्ट बनाना चाहते हो तो उसमें आप सल्फोमिक एसिड का यूज़ कर सकते हो। उपयोग का कारण यह अलमीय प्रवृत्ति का होता है और बिना ज़्यादा धुएँ या गंध के स्केल व जमा को घोल देता है। यह गैस विषाक्त, नॉन टॉक्सिक और कम संक्षारकारी यानी कि लेस कॉरोसिव होता है, इसलिए इसका उपयोग घरेलू उत्पादों में सुरक्षित माना गया है। अब साथ में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में भी इसका उपयोग देख लेते हैं। पीएच कंट्रोलर के रूप में कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट में, अगर आप कॉस्मेटिक और स्किन केयर प्रोडक्ट में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो कुछ उसमें इंग्रेडिएंट्स ऐसे होते हैं जो कि अल्कलीन होते हैं, हो सकता है वो स्किन के लिए हार्मफुल हो, तो उनके पीएच को न्यूट्रल करने के लिए इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे कि हो गया शैम्पू, हो गया हेयर कलर, हो गया स्किन लोशन में भी कभी कभी उपयोग होता है ताकि उत्पाद का पीएच संतुलित रहे। अब उपयोग की विधि और मात्रा देख लेते हैं। बहुत ही कम मात्रा यानी कि 0.1% से भी कम में उपयोग किया जाता है, यानी कि 1 ग्राम से भी कम, मतलब मैक्स टू मैक्स आप 1 ग्राम तक इसका उपयोग कर सकते हो। केवल फॉर्मुलेशन के पीएच को संतुलित करने के लिए उपयोग किया जाता है। उपयोग का कारण यह पीएच को नियंत्रण करने वाला अच्छा एजेंट है। सुरक्षित मात्रा में उपयोग से त्वचा या बालों पर कोई हानिकारक प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसकी सावधानी भी देख लेते हैं। सल्फोमिक एसिड सीधे त्वचा व आँखों के संपर्क में ना आने दें। बच्चों की पहुँच से दूर रखें। उपयोग करते समय दस्ताने पहनना उचित रहता है। बड़ी मात्रा में सांस के जरिए अंदर जाना हानिकारक हो सकता है। अगर आप बड़ा बैच बनाना चाहो तो आपको मास्क पहनना कंपलसरी है। अब इसका निष्कर्षण यहाँ पे आप पढ़ सकते हो। सल्फोमिक एसिड एक प्रभावी, सस्ता और अपेक्षाकृत सुरक्षित क्लीनिंग एजेंट है। इसका उपयोग सफाई और कॉस्मेटिक उत्पादों में संतुलित मात्रा में किया जाता है। उचित मात्रा और सावधानी बरतने पर बहुत उपयोगी होता है। ये डिपेंड करता है आपके प्रोडक्ट का फॉर्मुलेशन क्या है। फॉर्मुलेशन के आधार पर आप इसकी मात्रा को प्लस या माइनस कर सकते हो। अब सल्फोमिक एसिड का जो पीएच मान होता है, इसके घोल के ऊपर देख लेते हैं। अगर 1% का घोल है
तो इसका पीएच 1.2 से 1.5 तक रहेगा। अगर 5% घोल है तो 1.2 के बीच में पीएच रहेगा। अगर 10% घोल है तो 0.8 से 1% रहेगा, और बहुत ही कम सांद्रता 0.05% से 0.1% रहेगा। तो 2.5 से 3.5 के बीच में इसका पीएच हो सकता है। अब इसका घोल क्या होता है, ये एक 10% है, तो 10% हो गया सल्फोमिक एसिड की मात्रा, यानी कि 1 किलो के पूरे बीज में 10% हो गया, तो 100 ग्राम सल्फोमिक हो गया और 900 ग्राम पानी हो गया, तो ये 10% का घोल हो गया। ठीक उसी प्रकार से अगर 1% का घोल देखा जाए तो 10% सल्फोमिक हो गया, अरे सॉरी 10 ग्राम सल्फोमिक हो गया और 990 ग्राम पानी हो गया, तो ये 1% का घोल हो जाएगा। इसी प्रकार से आगे देख लेते पीएच मापने का तरीका। ये नॉर्मली हम सबको पता है पीएच पेपर होता है, उससे हम इसको पीएच माप सकते हैं, और कुछ पीएच मीटर भी मार्केट में अवेलेबल है जिससे भी आप पीएच को माप सकते हैं। और उपयोग अनुसार उपयुक्त पीएच रेंज, ठीक है। अगर टॉयलेट क्लीनर में आप इसका उपयोग करना चाहते हो तो 0.5 से 1.5 के पीएच तक आप इसका पीएच रख सकते हो। कॉस्मेटिक उत्पादन में अगर आप कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में अगर आप सल्फ्यूमिक एसिड का यूज़ करना चाहते हो तो उसका पीएच 4.5 से 6.5 तक आपको रखना है, और हेयर केयर प्रोडक्ट में 3.5 से 5.5 तक आपको इसका पीएच रखना है, ठीक है। अगर और महत्वपूर्ण सूचना, अगर पीएच बहुत कम है यानी कि 1 या 2 तक का पीएच है तो त्वचा के लिए हानिकारक हो सकता है। कॉस्मेटिक में उपयोग से पहले हमेशा पीएच को नियंत्रित करना चाहिए। तो यहाँ तक था सल्फोमिक एसिड के बारे में जानकारी। हो सकता है अभी नहीं तो आगे कोई आपके पास ऐसा फॉर्मूलेशन आए जिसमें आपको लिखा हो सल्फोमिक एसिड यूज़ करना है, तो आपको सल्फोमिक एसिड के बारे में पता होना चाहिए जिससे कि आप उसकी मात्रा को कम या ज़्यादा कर सकते हो। और अगर आपको क्लीनिंग प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना कंप्लीट प्रोसेस के साथ सीखना हो तो आप मुझे दिए नंबर पर संपर्क कर सकते हो, जहाँ पे आपको फॉर्मूलेशन कैसे बनाया जाता है और फॉर्मूलेशन के बेस पे बैच को सही तरीके से कैसे बनाया जाता है ये कंप्लीट प्रोसेस आपको सिखाई जाती है।